नमस्कार, आज मैं अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म टीचिंग गोल्स की तरफ से एक अपील यहाँ पर सभी कैंडिडेट से करना चाहती हूँ जो टीजीटी भर्ती में बैठे थे। एचएसएससी टीजीटी की जो भर्ती रिलीज हुई थी, जिसका एग्जाम भी हो चुका है और डीवी भी आपका हो चुका है, और अब आप लोग कहीं ना कहीं वेट में हैं कि आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो कि करने के मूड में गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, और साथ ही ये वीडियो उनके लिए भी जरूरी है जो हरियाणा के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, बिकॉज आपकी भी चीजें यहाँ से रिलेट करती है कि चीजें आपकी कितनी यहाँ पर खराब हो चुकी है। देखिए, जब मैं टीजीटी भर्ती या फिर किसी भी जब मैं भर्ती की बात करती हूँ, तो आप अच्छी तरीके से सिचुएशन से भली भांति परिचित है कि कोई भी जब वैकेंसी हरियाणा में आती है तो कितने सालों में आती है। टीजीटी की जो भर्ती आई थी वो 2015 में आई थी, और उसके बाद सीधी 22 में और 23 में आई है। ठीक है, 22 में आपका रिलीज किया गया लेकिन हुआ नहीं, फिर ये 23 में आई, और इतने सालों के गैप में जब आपकी कोई वैकेंसी आती है तो हर एक एलिजिबल कैंडिडेट, हर एक एजुकेटेड और जो अपनी तरफ से एक सीट पक्की करना चाहता है कि कोई भी मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, तो वो अपना सब कुछ त्याग करके पढ़ाई में जुट जाता है। आपने भी ये सब किया होगा, आपने भी तैयारी की रीत करी थी, हो सकता है आप में से किसी ने अपनी प्राइवेट जॉब भी छोड़ दी हो, और उसका आपको अब नुकसान हो रहा है क्योंकि रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी कैंडिडेट से ये बताना चाहती हूँ कि आप जो है भाई, चाहते हो आप अपना रिजल्ट आए, नहीं चाहते हो क्या? सब चाहते हो ना अपना रिजल्ट आए भाई। एचएसएससी टीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट कब बोला गया था? उसका रिजल्ट बोला गया था पहले जून में लाएंगे, फिर कहा जुलाई में लाएंगे, फिर कहा अगस्त में लाएंगे, फिर कहा सितंबर में लाएंगे। अब तो आपकी जो डेट चली गई है वो 19 अक्टूबर चली गई है, यानी कि, और ये भी आपके रिजल्ट की डेट नहीं है, आपका 12 सितंबर को जो हियरिंग थी, बिकॉज केसेस पर केसेस लगते जा रहे हैं। पहले तो सीटेट वाला वो खामे खा वाला केस था, ठीक है, बिना काम का केस था जो लग गया सीटेट वाला, वो लोग तो है ही नहीं वैलिड। उसके बाद फिर एक्सपीरियंस वाला केस लग गया इसके ऊपर, अब इसकी सुनवाई जो कि आपकी जो डेट है वो चली गई है 19 तक। अब जब तक 19 तारीख की सुनवाई नहीं होगी तब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, और ये भी कहना श्योर नहीं है, कोई भी ये नहीं कह सकता 100% कि इसमें भी आपकी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी। तो इसमें आप अगर ये चीज़, अगर आप इन न्यूज़ से भली भांति अगर परिचित है, अगर आप इन न्यूज़ को सुनते हो या फिर अगर आप देख रहे हो, तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि आपका रिजल्ट रिलीज़ किया जाए। क्यों नहीं है, उसके पीछे आपको रीज़न बताती हूँ भाई। गवर्नमेंट क्या चाहती है, और अभी फिलहाल में चल क्या रहा है, आप सभी को पता है इलेक्शन आना है, और अगर एक बार ये भर्ती इलेक्शन तक खींच गई ना, तो फिर ये मान लो कि फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं होगा। तो क्योंकि फिर वो अपनी तैयारी में जुट जाएंगे, अभी भी वो अपना आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे एक वो उस पर लगा रहा है, वो उस पर लगा रहा है, भर्ती पर किसी का ध्यान ही नहीं है। सीईटी की क्या बुरी दुर्दशा हुई है, इससे आप भली भांति परिचित हो, इसलिए बोल रही हूँ सभी के लिए जरूरी है ये वीडियो, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर हरियाणा में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपना हक चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आप गवर्नमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से इसी मूड में कि कैसे करके ये वैकेंसी खिंच जाए बस, और अगर एक बार खिंच गई, अगर एक बार इलेक्शन तक चली गई ना, फिर ये क्या कहेंगे, अब तो दूसरी सरकार आएगी, अब वो देखेगी, और दूसरी सरकार क्या करेगी ये आपको पता और हमें भी पता, सबको पता दूसरी सरकार क्या करेगी, ठीक है। बिकॉज जो होगा, जो बदलाव होने वाला है वो तो सबको दिख रहा है, परिस्थितियाँ चीख चीख के कह रही है कि बदलाव होगा, ठीक है। तो इसको अब आपने क्या करना है भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सिर्फ प्रयास, सिर्फ हम एफर्ट्स डाल सकते हैं, और ऐसा ही एफर्ट्स जो है स्टार्ट किया है, बहुत कैंडिडेट है, काफ़ी कैंडिडेट है जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया है। 18 सितंबर को पंचकुला में सभी लोग जा रहे हैं, और मैं ये नहीं कह रही वहाँ पर जाकर के चढ़ जाओगे आप सर पर, है ना, एक पीसफुल चीज़ें हैं सारी, कि भाई एक तरीके से अपनी मांग रखना, और ये सबका अधिकार होता है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, सब अपना अधिकार मांग सकते हैं सब, और अगर आपने फॉर्म भरा है, आपने तो डीवी भी करवा लिया, सब करवा दिया, अब इंतजार किस चीज़ का है, ठीक है। अगर केसेस हो रहे हैं तो आप थोड़ा सा ऐसा डेट दो ना कि भाई, क्योंकि दिख रहा है वो सबको कि हो ही नहीं आप मूड में, आप रिजल्ट को रिलीज करो, तो अपनी भर्ती को आप बचा सकते हो, बिकॉज एकता में बल होता है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ेंगे, जितने कैंडिडेट यहाँ पर जुड़ेंगे ना, सरकार थोड़ा सा क्या पता, है ना, हम सोच के चल सकते हैं ना, हम सिर्फ अज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं घर पे ही बैठी ये करती रहूँ, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, ये हो जाए वो हो जाए, और एक मैं उसके बारे में थोड़ा सा इफर्ट्स डालूँ, अगर मैं थोड़ा सा उसके बारे में करने की कोशिश करूं, तो यही चीज़ है। तो जितने भी कैंडिडेट आप हो टीजीटी भर्ती वाले, अगर आप जा सकते हो तो प्लीज़ जाइए, और मैं सभी टीचर्स से, जो आप भावी शिक्षक हैं, जो आप भावी टीचर्स बनने जा रहे हैं,
सबसे यही कहूंगी भाई, जो भी चीजें करे बिल्कुल प्लीज पीसफुली, है ना, कुछ भी आप वहां पर कर रहे हो तो प्लीज शांति बना करके सारी चीजें आपने करनी है, ऐसा कुछ नहीं करना, बिकॉज आप और हम सब शिक्षक है, और शिक्षक अगर ऐसा कुछ भी करे, कोई भी ऐसी चीज जो उसको शोभा नहीं देती, तो वो मैं बिल्कुल भी ये चीज आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। तो मैं अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी कैंडिडेट को ये कहना चाहती हूँ, प्लीज जुड़ो इन सभी के साथ। घर पर रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर ये भर्ती एक बार इलेक्शन तक खींच गई ना, फिर भूल जाना इस भर्ती को, ठीक है। तो अपना ठीक है, रिजल्ट ये रिलीज करेंगे, बट थोड़ा चीजें जल्दी हो सकती है, और जब उनको ये दिखेगा ना कि हाँ ये लोग एफर्ट्स डाल रहे हैं, यहाँ पर आके खड़े हैं, वरना जो HKRN के साथ हुआ है, पता है ना HKRN के साथ क्या हुआ है, दो दिसंबर 2022 को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, उनको तो मुंह पे ही मना कर दिया है। अगर आपका राजा खुद झूठ बोल रहा है ना, आपका जो CM है वो खुद मुकर गए हैं यहाँ पर कि भाई HKRN के थ्रू तो हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर ये आपसे बोल दिया तो फिर क्या करोगे? ऐसा ना हो आपके साथ कि जो HKRN वाले कैंडिडेट के साथ हुआ, फॉर्म भी भरा है, अपने आप को सिलेक्शन भी करवाया वहाँ पर, और अब 7-8 महीने से वहाँ पर CM के जितने भी जनसंवाद है वहाँ पर बेचारे चक्कर काट रहे हैं, ठीक है। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पीसफुली आपने सारी चीज़ें करनी है। 18 सितंबर को पंचकुला में यहाँ पर जाना डिसाइडेड हुआ है। आप सभी एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके साथ ग्रुप्स वगैरह बन रहे होंगे, तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए और पीसफुली सारी चीज़ें करिए, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि आप जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पर कर रहे हैं, प्लीज़ पीसफुली और मानवता बनाए रखते हुए, गरिमा को बनाए रखते हुए, अपना ये जो एक शिक्षक वाला जो पद होता है, इसकी गरिमा को बनाए रखते हुए। तो इस वीडियो के थ्रू मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, सभी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सभी के साथ शेयर करना इस वीडियो को, ठीक है, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना, और पसंद आए तो जरूर लाइक भी करना, सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।